Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education In this video we are going to start Unit 1 And in Unit 1, in this video we are going to cover Wake Up uh, This is the first poem of Class 4th English from Marigold book of NCERT syllabus सो दिस इज़ अवर फर्स्ट पोएम वेकअप सो वेकअप का मतलब क्या होता है वेकअप मतलब जागना ठीक है सो हियर इन दिस पोएम दिस चाइल्ड इज सेंग अबाउट वेकअप सो लेट्स रिसाइड द पोएम एंड देन आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ पोएम ऑल्सो वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले द बर्ज आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बर्जिंग बीज सो ये जो बच्चा है वो बोल रहा है वेक वेक अप अप वेक अप मतलब जाग जाओ क्यों जाग जाओ बिकॉज इट्स अ लवली डे बिकॉज बहुत ही सुंदर दिन है बहुत ही अच्छा दिन है ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले और सब लोग उठ जाओ और गेट अप मतलब उठ जाना एंड कम एंड प्ले और चलो हम मिलकर खेलते हैं ठीक है द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज बर्ड्स क्या कर रहे हैं बर्ड्स ट्रीज़ पर गाना गा रहे हैं बैठ के वो गाना गा रहे हैं चहचहा रहे हैं एंड यू कैन द दजिंग बीज और आप सुन सकते हो कि जो बीज हैं यानी जो मधुमक्खियां हैं वो भी बज़ कर रहे हैं बज़ मतलब यहाँ पे उनका साउंड बताया है जो बी आवाज़ निकालती है जू करके दैट इज़ कॉल्ड बजिंग ओके सो ये बच्चा बता रहा है नाउ इन द नेक्स्ट आंसर इट इज़ एंग वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे ओह प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले इट्स मच टू लेट टू लाई इन बैड सो हरी अप यू स्लिपी हेट अगेन जो बच्चा है वो बोल रहा है वेकअप 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 मतलब जागना क्यों क्योंकि ये बहुत ही लवली डे है तो फर्स्ट स्टांजर और सेकेंड स्टांजर जो टू लाइन्स है वो ऑलमोस्ट सेम है ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले अगेन सेम थिंग कि जल्दी से जाग जाओ चलो मिलकर हम लोग खेलते हैं इट्स मच टू लेट टू लाइन बेड मतलब बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है और ज़्यादा देर तक हमें बेड पर लाई यानि लेटना नहीं चाहिए लाई का मतलब क्या होता है लेटना तो वो बहुत ज़्यादा देर तक हमें लेटना नहीं चाहिए हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए सो हरी अप हरी अप मतलब जल्दी करो यू स्लीपी हेड तो स्लीपी हेड किसके लिए बोला जाता है जो देरी तक सोता रहता है उसके लिए स्लीपी हेड बोला गया है ओके नेक्स्ट इज़ Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the dogs and the sheep, the tiniest chicken. Cheep cheep cheep. Wake up. So again यहाँ पे child बोल रहा है कि जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी से जाग जाओ, ready हो जाओ. Wash and dress. यानी जागो, अपना अपने आप को wash करो, wash मतलब fresh हो जाओ and get ready dress मतलब गेट रेडी आप जैसे सुबह उठते हो यू डू योर नॉर्मल थिंग्स ठीक है उसके बाद आप रेडी हो जाते हो एंड कम ऑन आउट और रेडी हो गया बाहर चलो बाहर के इन्वायरमेंट में आ जाओ सराउंडिंग में आ जाओ एवरी वन इज़ अप एंड अबाउट एवरी वन इज़ अप एंड अबाउट मतलब हर कोई रेडी हो चुका है और अपने कामों में लग चुका है सो कम आउट देखो यहाँ पर तो यहाँ पे किस को बता रहे हैं द काउ द हॉसेज द डग्स एंड द शिप मतलब ये सभी के सभी सुबह सुबह जाग चुके हैं एंड दे स्टार्टेड देअ वर्क द टाइनिस चिकन इसके अलावा मतलब ये जो एनिमल्स यहाँ पे आपको बताए हैं काऊ हॉर्सेज डग शिप इसके अलावा जो सबसे जो छोटी सी चिकन है टाइनिस का मतलब होता है छोटा सा चिकन मीन्स जो हैंन का जो बच्चा होता है उसको यहाँ पे चिकन बताया ओके सो जो छोटा सा हैं का बच्चा है मुर्गी का जो चूज़ा है वो भी उठ के मॉर्निंग में उठ के चीप 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 इस तरह से साउंड कर रहा है सो वेक अप ओके एंड हियर द पोयम एक्सप्लेनेशन इज ओवर एंड हु इज़ द पोएट सी फ्लेचर तो पोयम का uh, जो भी पोएट होता है उसको आपको याद रखना ज़रूरी है बिकॉज दिट इज़ इम्पॉर्टेंट मेनी टाइम्स इट इज़ आस्क इन द एग्जाम ओके नाउ लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स एल ओ वी ई एल वाई लवली लवली का मतलब होता है सुंदर कोई चीज़ बहुत ही जो अच्छी लगती है सो लवली डे यहाँ पे जैसे बताया गया है नेक्स्ट इज बी यू डबल सेट आई एन जी बाजिंग बाजिंग का मतलब जो साउंड बीज निकालते हैं उसको हम बाजिंग बोलते हैं ओके नेक्स्ट वर्ड इज़ एस एल डबल ई पी वाई स्लीपी नेक्स्ट इज एच ई ए डी हेड स्लीपी हेड स्लीपी हेड मतलब जो अभी तक सो सोया हुआ है जो आल आलस कर रहा है सोता हुआ है ओके नेक्स्ट वर्ड इज टी आई एन आई ई एस टी टाइनीस्ट टाइनियस्ट का मतलब होता है छोटा सा ओके सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द पोयम नाउ इन दिस पोयम लेट्स सी सम राइमिंग वर्ड्स

ओके okay, इसको हम होमोफोन्स भी बोलते हैं सो वन इज़ डे एंड प्ले नेक्स्ट इज इन द फिफ्थ लाइन टी आर डबल ई एस ट्रीज एंड इन द सिक्स्थ लाइन बी आर डबल ई एस बीज सो ट्रीज एंड बीज दिस आर राइमिंग वर्ड्स नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट आंसर हियर अगेन यू कैन सी डे एंड प्ले ओके नेक्स्ट इज बी ई डी बेट एच ई डी Head bed head okay. You can see spelling different. Word be different, but sound is similar. So this is called homophones or rhyming words. Next, you can see here, out out, a b o u t about out out. Is there the sound is Okay. Next rhyming word is s h double e p ship and